हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात करने लग रहे हैं उस स्टॉक का नाम है मैरिको लिमिटेड कंपनी। ये जो कंपनी है ये एक FMCG कंपनी है, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है। ये जो FMCG के जो प्रोडक्ट होते हैं ये जैसे ही मार्केट में आते हैं ये बहुत ही जल्दी बिक जाते हैं और एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस के ऊपर ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ये FMCG का एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ अभी करने लग रहा है और ये इंडिया में चौथा सबसे बड़ा सेक्टर भी है। अभी इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने लग रही है। तो ऐसे में अगर आप बिना FMCG स्टॉक को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी इंक्रेज होगा। और ये एक ऐसी कंपनियाँ होती हैं, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो साल के 365 दिन यूज किए जाते हैं, जैसे कि कोलगेट हो गया, टी हो गया। तो इस तरह के जो ये प्रोडक्ट होते हैं ये कंपनियां बनाने का काम करती हैं। ये जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाती है उसमें हेयर केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, हेल्दी फूड्स हो गया, मेल ग्रूमिंग हो गया, फैब्रिक केयर हो गया। तो इस कैटेगरी में ये जो कंपनी है प्रोडक्ट बनाने का काम ये कंपनी करती है और ये 25 से भी अधिक देशों में इस कंपनी की प्रेजेंस है। तो जो ये कंपनी प्रोडक्ट ऑफर करती है वो नारियल तेल हो गया, इसमें पैराशूट हो गया और निहार नेचुरल हो गया और सुपर प्रीमियम रिफाइंड एडिबल ऑयल हो गया, इसमें स्पोला हो गया। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लगभग 90% घरों में यूज होता है। वैल्यू एडिड हेयर ऑयल, इसमें पैराशूट एडवांस हो गया, नी आर नेचुरल हो गया, हेयर एंड केयर हो गया। हेल्दी फूड, इसमें स्पोला ओट्स हो गया, कोको सोल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, स्पोला 55 गोरमेट रेंज हो गया। प्रीमियम हेयर नूट्समेंट, इसमें लिवोन सीरम हो गया, हेयर एंड केयर हो गया, मेल ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग, इसमें सेट वेट हो गया, बियर्डो हो गया और पैराशूट हो गया। स्किन केयर के प्रोडक्ट, इसमें काया यूथ हो गया, पैराशूट एडवांस हो गया। हाइजीन प्रोडक्ट, इसमें मेडिकेयर हो गया और वेजी क्लीन हो गया। तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कभी ना कभी आपने सभी ने यूज किया होगा। और ये जो कंपनी, इसके जो प्रोडक्ट हैं उनका मार्केट में बहुत ही अच्छा शेयर भी है। जैसे कि नारियल तेल हो गया, इसका मार्केट में टोटल मार्केट का ये 62% कवर करती है और इसका जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक है। और पैराशूट रिगिड्स हो गया, इसका जो मार्केट शेयर है वो 52% का है और इसका जो रैंक है वो भी फर्स्ट है। और स्पोला हो गया सुपर प्रीमियम ROCP हो गया, ये इसमें 82% मार्केट को कवर करती है और इसका जो रैंक है वो भी फर्स्ट है। और स्पोला ओट्स हो गया टोटल मार्केट का 39% कवर करती है और इसका जो रैंक है वो सेकंड है। स्पोला मसाला ओट्स हो गया, ये 94% मार्केट को कवर करती है और इसका जो रैंक है वो फर्स्ट है। वैल्यू एडिड हेयर ऑयल हो गया, ये 37% मार्केट को कवर करती है और इसका जो रैंक है वो भी फर्स्ट है। तो इसके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के एक बहुत ही बड़े हिस्से को कवर करते हैं। इसने 2022 में 77% का जो रेवेन्यू है वो घरेलू मार्केट से जनरेट किया है। इसमें नारियल तेल से इसने 40% का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो रिफाइंड ऑयल है उनसे 25% का रेवेन्यू जनरेट किया है और जो हेयर ऑयल है उनसे 21% का रेवेन्यू जनरेट किया है। और जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं जैसे कि मेल ग्रूमिंग, स्किन केयर हो गया, उससे इसने 5% का रेवेन्यू जनरेट किया है। और इसके पास एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। भारत में जो टोटल 12 मिलियन आउटलेट है उसमें से 5.6 मिलियन आउटलेट में इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनकी पहुंच है, यानी कि वो अवेलेबल हैं। और इसने ई कॉमर्स से भी 14% का रेवेन्यू जनरेट किया है और 2022 में ही 132 करोड़ रुपये का इसने खर्च किया है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये था इसका बिजनेस मॉडल। इसकी जो मार्केट कैप है वो 72,649 करोड़ की है। इसका जो बाउंड वीक हाई है वो 592 रुपया है और जो लो है वो 463 रुपया है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 29.40 रुपया है और एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.80% की है। इसका जो ROCE है वो 41.9% का है
और इसका जो आरओई है वो 35.8% का है और इसके ऊपर एक नाम मात्र का ही कर्जा है और जो प्रमोटर है उनकी 0.13% की होल्डिंग प्लेज है, यानी कि एक नाम मात्र की होल्डिंग प्रमोटर की प्लेज है और इसके ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो 2429 करोड़ की है। इसकी जो टोटल एसेट है वो 6800 करोड़ की है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 608 रुपया है और इसका जो ऑल टाइम लो है वो 11 रुपया है। और ये देखिए इसकी जो सेल्स है वो क्वार्टर वाइज लगभग 2000 करोड़ रुपये से ऊपर की ही रहती है। मार्च 2023 में इसने 2240 करोड़ की सेल्स की है, जून 2023 में इसने 2477 करोड़ की सेल्स की है। इसकी जो अदर इनकम है वो 46 करोड़ की, 68 करोड़ की, 40 करोड़ की, 19 करोड़ की ऐसे हो जाती है और इसका जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर वाइज वो 436 करोड़ का, 305 करोड़ का, 333 करोड़ का ऐसे हो जाता है। और इसके पिछले 12 महीने की जो सेल्स ग्रोथ है वो 1% की है, पिछले 12 महीने की प्रॉफिट ग्रोथ है वो 9% की है, पिछले 12 महीने का CAGR है वो 4% का है, पिछले 12 महीने की रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो 36% की है। और इस कंपनी के ऊपर कर्ज है वो 608 करोड़ का है। इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो लगातार बढ़ने लग रही है, 2894 करोड़, 3111 करोड़, 3219 करोड़, अभी 3670 करोड़ की है। और इसका जो CWIP है तो इसमें 67 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी बनने लग रहे हैं। इसकी जो टोटल एसेट है वो भी लगातार बढ़ने लग रही है, 4964 करोड़, 5426 करोड़, 5677 करोड़, अभी 6800 करोड़ की है। और ये देखिए इसमें जो प्रमोटर है उनकी एक बहुत ही अच्छी होल्डिंग इस कंपनी में बनी हुई है, अभी प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 59.41% की बनी हुई है और जो FII की होल्डिंग है वो भी इसमें काफ़ी अच्छी है, 24.96% की बनी हुई है और जो DII की जो होल्डिंग है इसमें 10.20% की बनी हुई है और जो गवर्नमेंट है उसकी जो होल्डिंग है इसमें 0.10% की बनी हुई है और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं इस कंपनी में वो 330,907 हैं। तो देखिए अभी जो ये स्टॉक है ये 562 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है। इसकी जो टोटल एसेट वो लगातार बढ़ने लग रही है, इसकी जो रिजर्व कैपिटल वो भी बहुत ही ज़्यादा है और एक नाम मात्र का इस कंपनी के ऊपर कर्जा है और एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये और इसमें जो FII है और जो DII है उनकी एक बहुत ही बड़ी होल्डिंग है। तो एक ऐसा स्टॉक है अगर आप इसको बाई करके और थोड़े बहुत टाइम के लिए भी अगर इसको होल्ड कर लेंगे तो आपको इसमें एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही तेज़ गति से बढ़ने लग रहा है। और दोस्तों किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपना खुद का रिसर्च भी जरूर करें और अपने रिसर्च के आधार पर ही किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये और एक फंडामेंटल एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। अगर आप इसकी जैसे जैसे ये डिप में जाता जाए अगर आप इसकी 100 क्वांटिटी हो गया, 50 क्वांटिटी हो गया ऐसे करके बाई करते हैं और थोड़े बहुत टाइम के लिए इसको होल्ड करते हैं तो आपको इसमें एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दिखाई देंगे। सो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।